भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर चारों तरफ चहल पहल है। इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि 19 अगस्त को दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह वो पर्व है जो भगवान कृष्ण के माखन चोरी की कहानी से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं आखिर दही हांडी का उत्सव क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या है मान्यताएं। दही हांडी का उत्सव भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत ही ज्यादा प्रिय था और वह अपनी टोली के साथ पूरे गोकुल में माखन चुराते थे। ऐसे में गोकुल वासियों ने परेशान होकर ऊंचे स्थान में माखन की मटकियां लटकाना शुरू कर दिया था। ऐसे में कान्हा जी ने अपनी टोली के कंधों पर चढ़कर मटकी तक पहुंचना शुरू कर दिया। स्वयं तो माखन खाते ही थे, पूरी टोली को भी खिलाते थे। माना जाता है कि यहीं से दही हांडी की शुरुआत हुई। यह भी माना जाता है कि इस अवसर पर जिस घर में माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ी जाती है वहाँ से सभी दुख भाग जाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आती है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि ये दही हांडी उत्सव मनाया कैसे जाता है। तो आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मिट्टी की मटकी में दही भरकर ऊंचाई पर लटका दिया जाता है। इसके बाद पुरुषों या फिर महिलाओं का एक समूह एक मानव पिरामिड का आकार बनाता है, फिर एक नारियल के जरिए ऊपर लटकाए गए हांडी को फोड़ देते हैं। वहीं कुछ जगहों पर दही हांडी एक प्रतियोगिता की तरह भी आयोजित किया जाता है जिसमें भाग लेने वालों को गोविंदा कहते हैं। तो ये थी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाए जाने वाले दही हांडी पर्व का महत्व और इसे मनाने का तरीका। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।